सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाया था जिसको हमने मोबाइल फ़ोन से आपको कंट्रोल करके दिखाया था। सो आज इसी वीडियो का पार्ट टू में मैं आपको एक लैंडमाइन डिटेक्टर कार बना के दिखाने वाला हूँ जिसको आप अपने इंस्पायर अवार्ड के लिए दे सकते हैं। बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑर्डिनो यूनो का ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद हमें एक रेजिस्टर लेना है जिसका वैल्यू है 220 ओम्स, और इसके बाद हमें चाहिए एक डायोड जिसका वैल्यू है IN4007, एंड इसके बाद हमें चाहिए एक सिरामिक कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 1 KPF यानी कि 1000 पिकोफेराड। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉपर का कॉयल तैयार किया। आप देख सकते हो मैंने जो कॉपर वायर है उसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर से निकाल के मैंने एक रोल बना के इसको कॉयल तैयार किया है। एंड इसमें है 50 टर्न्स। आप इससे कम कर सकते हो, ज़्यादा आपको नहीं करनी है। और ये कॉपर वायर आप किसी भी शॉप से भी परचेज़ कर सकते हो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं मिलता है। और ये वायर है इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है और इसको हमें यहाँ पर शोल्डिंग या फिर घिस के इसको रिमूव करना होता है। इसके बाद मैंने एक PVC पाइप को राउंड शेप में काटा है और इसके ऊपर हम इस कॉयल को इस टाइप से फिट करेंगे। और इसके ऊपर मैं एक सिरिंज फिट करने वाला हूँ ताकि हम ये जो सिस्टम है उसको अप एंड डाउन हम कर सकेंगे मैन्युअली। सो ये कुछ इस टाइप से फिट होगा और इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हो इस टाइप से। एंड इसके बाद हमें चाहिए एक पीजो बजर जो कि मेटल को फाइंड करने के बाद इसमें अलार्म रिंग होगा। सो यहाँ पर ऑर्डिनो के पीछे आप लोग देख सकते हो जो ब्लैक कलर का स्लॉट है उसके पीछे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। तो हमने जो पहले बैटरी वहाँ पे वायर रखा था उस वायर को हमें डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट करनी है। सो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम, आप लोग देख सकते हो। सबसे ऊपर है यहाँ पर 50 टर्न्स का कॉयल, इसके बाद ये है एक सेरामिक कैपेसिटर, इसके बाद ये है डायोड आप देख सकते हो, यहाँ पर है 220 ओम का रेजिस्टर, और ये है हमारा ऑर्डिनो यूनो, और इसके नीचे जो ब्लैक कलर का चीज़ ये बजर है। सो यहाँ पर मैं कनेक्शन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक वायर आया है यहाँ पर जो कि कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ है इस टाइप से, दूसरा एंड डायोड के साथ, डायोड का सिल्वर कलर की साइड लेफ्ट साइड की ओर है और ब्लैक कलर की साइड यहाँ पर कनेक्ट है आप देख सकते हो। इसके बाद 220 ओम का रेजिस्टर है, इसका दूसरा एंड लगा है A0 पिन के साथ, और यहाँ से एक वायर आया है जो कि कनेक्ट हुआ है A1 पिन के साथ ऑर्डिनो का, और तीसरा वायर आके GND पे कनेक्ट हुआ है। और यहाँ पर हमने बजर कनेक्ट किया है, बजर का नेगेटिव ग्राउंड के साथ लगा है, पॉजिटिव लगा है D12 के साथ। सो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अभी के लिए मैं आपको पावर बैंक से पावर करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो लाइट जल रहा है। और ये पार्ट जो है ये मेटल को डिटेक्ट करेगा, तो यहाँ पर मेटल का मेरे पास चीज़ है, इसको पास लाते ही ये अलार्म रिंग करता है, आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हमने बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है आर्डिनो के साथ, एंड मेरे पास एक और बैटरी जो कि मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, और जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो तीनों चीज़ें पे पावर जाएगा, मतलब पहले का जो सिस्टम है उसमें पावर जाएगा एक साथ, इसी बैटरी से जाएगा, और अभी जो आर्डिनो लगा है उसमें भी इसी बैटरी से पावर जाएगा। तो बैटरी मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो आर्डिनो पे लाइट बहुत ज़्यादा कम ग्लो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें पावर कम लग रहा है। तो हमें एक चीज़ करना होगा, यहाँ पर जो हमने 8 वोल्ट इसको मिल रहा था इसको हम 12 वोल्ट कर देंगे, ठीक है, एकदम इजी है। यहाँ पर हमने बैटरी से जो 12 वोल्ट है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आप ऑर्डिनो पे देख सकते हो, मैं आपको अभी दोबारा से बैटरी लगा के दिखाऊंगा, ऑर्डिनो पे फुल पावर आएंगे, आप देख लेना। मैं बैटरी अभी कनेक्ट करता हूँ, पहले एक ही लाइट बहुत ही स्लो मतलब ब्लिंक हो रहा था, अभी आप देखो पूरा फुल पावर आ चुका है। तो अभी हम सारी चीज़ों को फिट करते हैं यहाँ पर इस कार के नीचे। तो मैं ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरे कोई भी गम से इसको पेस्ट कर सकते हो या फिर डबल साइडेड टेप से भी इसको आप पेस्ट कर सकते हो। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे फिट करता हूँ और फिर सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा ये कितना बढ़िया तरीके से वर्क करता है। सो ये प्रोजेक्ट आप इंस्पायर अवार्ड के लिए या फिर स्कूल साइंस प्रोजेक्ट के लिए या फिर स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप इसको बना के सेंड कर सकते हो। ये काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा न्यू प्रोजेक्ट है। सो फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जीबिशन पर पार्टिसिपेट किया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के दिखाने हैं,
अब वहाँ पे प्रेजेंटेशन करनी है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एंड इस प्रोजेक्ट का प्लस लास्ट प्रोजेक्ट का मैंने सर्किट डायग्राम अभी तक अवेलेबल नहीं करवाया है, सो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा सर्किट डायग्राम। दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, कुछ ही दिनों के बाद आपको मिल जाएगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको बनाते हैं, बना के दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं। सो हम मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।